जी मोस्ट लाइकली डू बिकॉज आप दोनों में काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मैंने देखा है, काफी मस्ती मजाक करते रहते हो, तो मोस्टली मैं यही जानना चाहती हूं हु इज मोस्ट लाइकली टू बी मोस्ट लाफिंग पर्सन ऑन अ सेट. आई मोस्ट लाफिंग आई थिंक उर्वशी जी आप बोलिए. मोस्ट लाफिंग पर्सन ऑन द सेट, अभी आपको सच्ची बताओ तो हम लोग हैक्टिक शूट कर रहे हैं बैक टू बैक, तो ऑल द टाइम दीपिका के लिए बिकॉज उसके साथ मेरे मैक्सिमम सीन रहते हैं, बहुत इमोशनल सीन रहते हैं. और मैंने उसको डे वन से देखा, पहली उसकी और मेरी मुलाकात बहुत ही प्लेजेंट रही. ये लड़की इतनी डाउन टू अर्थ है, इतनी प्यारी है कि मैं बता नहीं सकती. बिकॉज यस ऑलवेज स्माइलिंग, कभी मैंने उसको ऐसा नहीं देखा चिड़चिड़ा हुआ, नेगेटिव हो गया, ये हो क्या है वो क्या, कभी नहीं देखा. वो ऐसे हंसती रहती है. और अच्छा, हमारा पहले दिन पता नहीं एक डांस वाला कनेक्शन बन गया. शी इज अमेजिंग ओडिसी डांसर, क्लासिक एंड आई एम भरतनाट्यम डांसर. तो पहले दिन हम मिले तो बोले वाओ दीदी हम ओडिसी भरतनाट्यम, हमारी ये मुद्रा आपकी ये मुद्रा, हमारा ये वो, हमारा इतना कॉमन कॉमन क्या है, अलग क्या है, हम क्या कर सकते हैं, आपका ये त्रिभंग ये वो. तो हम लोगों के पास इतनी सारी बातें थी, सीन्स भी इतने सारे करने के थे, लेकिन मुझे नहीं लगा कि कभी भी दीपिका के साथ सीन करने में मुझे कोई स्ट्रेस आया होगा और मुझे क्या करना है क्या दीदी ये दीदी वो. तो हम लोग ना बहुत ही मतलब ऐसे वो खिलखिलाती रहती है, हंसती रहती है, तो कोई भी डिफिकल्ट सीन भी ऐसा हमारे सर पे सभी एक्चुअली सबके होंठों पे स्माइल रहती है. सिर्फ सानिका की लक्ष्मी की स्माइल हम लोग छीन लेते हैं क्योंकि बेचारी नहीं है. उसको स्ट्रेस ज्यादा बेचारी को रहता है. बाकी नमन सबसे ज्यादा प्रैंक करते हैं, वो इतनी इतना बेवकूफ बनाते हैं हम लोगों को. वो मैं बताऊंगी, मेरे पास बहुत अच्छा किस्सा है उसका. तो नमन पता है कल तो वो चांद को कहां पे लेकर आए थे, डंडा से उठा के नीचे. और फर्स्ट डे हम लोग दिल्ली से वापस आ रहे थे, तो मैंने बोला कि दो मिनट में आती हूँ, मेरा फोन चार्ज करके चार्जिंग पॉइंट पे मैं रखने गई. एंड मैंने बोला बंद हो गया था फोन, तो मुझे लगा खाए मैं किसी के कॉन्टेक्ट में नहीं आऊंगी तो क्या होगा, मैं सामान रख के जाती हूँ चार्जिंग पॉइंट पे, आप लोग देखो. तो फिर उन्होंने फोन किया, नहीं फिर नमन ने क्या किया और मेरा सामान वामन सब उठा के सब लोग छुप गए और मैं चार्जिंग में हो गया. तो वो छुप छुप के मुझे देख रहे थे और कार्तिक मुझे रिकॉर्ड कर रहा था और सब मुझे छुप के देख रहे थे, मजे ले रहे थे. और अरे मेरा सामान कहाँ गया, मैंने बोला फट से फोन निकाल, मैंने बोला फोन किया आदित्य को, मतलब आपने नमन को, अरे नमन किधर हो तुम लोग यार, कहाँ गया, फ्लाइट तो चली गई मैम, आप कहाँ हो, हम लोग तो बैठ गए है, कितना बचाए से मैं देख रही हूँ. वो गमला एक थी, तो सारिका ने बताया लक्ष्मी और सब लोग इतने मजे ले रहे हैं. पर धीरे से मुझे लगा नहीं ऐसे तो फ्लाइट नहीं जा सकती, लेट हो गई थी कैसे चली गई. देन मैं बाहर आई और सबको देखा, मैंने बोला जाओ मैं तुम लोगों से बात ही नहीं करती, लाइक नमन ये करता है बहुत. मुझे सारिका ने बताया था मैम थोड़ा सोने के लिए गई थी और बोला कि फ्लाइट का जब टाइम हो तो मुझे बता देना, मेरा फोन चार्जिंग में लगा तो बेचारी घबरा गई. एयरपोर्ट पे चार्जिंग पॉइंट पे फोन तो छोड़ के आ नहीं सकते, मेरा फोन छुपा देते हमेशा. फिर मुझे बोलते हैं कहाँ है फोन, मुझे ऐसे हम लड़कियों की आदत होती है जहाँ बैठते हुए फोन छोड़ देते हैं. अब मैं फोन का ध्यान रखती हूँ क्योंकि खुद उनके पॉकेट में होगा तो पता नहीं चलता है. अपने ब्लेजर में रख लेते हैं. सो हु ब्रिंग अ टेस्टी फूड, टेस्टी फूड सब लोग यहाँ पे घर से लाते हैं, किसी को विश्वास नहीं है बाहर के खाने पे. हाँ लेकिन मैं बहुत ज्यादा बर्बर के बास्केट बर्बर के लाती हूँ, बास्केट बर्बर के लाती हूँ. मैं शाम के स्नैक्स जो है मैम से लेती हूँ और लंच मैं लंच अपनी मम्मी से भी लेती हूँ, वो लड्डू वगैरह लेकर आती है देसी घी के. और जो शांति जी है संगीता जी और मैम से मैंने स्नैक्स वगैरह हम लोग अभी गुजरात गई थी तो मैं बर्बर के बहुत सारे स्नैक्स लेकर आई थी. तो हाँ मतलब पर सच्ची बताऊँ सारे कलाकार, आई थिंक सारे कलाकार खाने के बड़े चटोरे होते हैं, सब चटोरे हैं, कोई डाइटिंग क्या वेट लॉस किया है, क्या डेडिकेशन है, वो एक्टिव है, मतलब उसकी बहुत ही अच्छी अच्छी क्वालिटीज है, मैं सच बताती हूँ. नहीं मुझे फायदा है क्योंकि दो बच्चे दिखा दिए ना, मैं फुट ऑन कर रही हूँ अभी, एक्सरसाइज बंद है रोज शूट कर करके. सेल्फी क्वीन यार अभी तो मैं भी नहीं हूँ क्योंकि मैं ना सिर्फ, आपने देखा होगा मेरी बहुत कम रील्स आ रही हैं, फोन ही नहीं होता मेरे हाथ में, पोस्ट ही नहीं आ रही, मतलब पहले थी मैं, पहले थी मगर अब मैं बदल रही हूँ, मंगल बन गए. ओह माय गॉड. ये कोई हमसे पूछे, हमसे पूछे, हमने मड में दो महीने निकाल दिए, सोच के था कि 10 दिन के लिए हम शूट वहाँ कर रहे हैं, पर वो सबको इतना अच्छा शो पसंद आ रहा है कि हमारा वो वाला घर जो है किराए का, जो घर जो है आदित्य का, उसके सीन इतने लगने लगे कि हम एक्चुअली 2 घंटा जाने में 2 घंटा आने में, और वहाँ नेटवर्क नहीं,
तो वो इंस्टा पे कुछ पोस्ट भी नहीं हो पाते तो वो एक और फ्रस्ट्रेशन थी कि सोशल मीडिया पे लाइव भी आप देखे होंगे कि मेरा शो कब से आ रहा है मगर मैंने एक दिन भी लाइव नहीं गई हूँ। मैं चाहती थी कि मैं लाइव जाके बोलूँ आप सबको कि आप रात को 9 बजे कलर्स पे देखें शो हमारा, मगर नेटवर्क ही नहीं है वहाँ पे। तो किरदार और कलाकार नो नेटवर्क से नेटवर्क जोन में आया है उसके बाद की तो सबसे ज्यादा खुशी है। तो सच में नया घर में आने की खुशी किरदार और कलाकार दोनों को है क्योंकि डोरी का सेट पास में ही है तो मेरे पतिदेव वही डायरेक्टर है तो शाम का जो नाश्ता है वहीं से पतिदेव जोमेटो से ऑर्डर कर देते हैं, मतलब ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं और आ जाता है तो बहुत सुखी सुख है यहाँ पर। और इतना आप देख रहे हो कि फिल्म सिटी में इतना अच्छा लगता है प्रकृति के बीच में, हमारा सेट बहुत अच्छा बना बहुत है, मेकअप रूम्स बहुत सुंदर बना है थैंक्स टू पैनोरामा अगेन, बहुत ही अच्छा इतना हैपनिंग प्लेस बना दिया कि यहाँ पे रहने को मन करता है कि हम अपने बच्चों को लेकर आने वाले हैं यहाँ पे, क्रिकेट कोर्ट बनने वाला है, काफी टेनिस भी लगने बहुत पॉजिटिविटी है यहाँ पे खेलने वाले हैं क्योंकि हम यहाँ पे बहुत काम करने वाले हैं तो सर ने बोला घर जाने की जरूरत नहीं है तुम 11-12 में तो यही रहो, मैं सो तो यही बुलाता हूँ। यस थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।